गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुमित्रा ग्लोबल स्कूल। हमने हमारे मैथ्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट भी किया था। अब हम आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 पे बढ़ते हैं। ओके, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 1/4 ऑफ, कि हमें इसका 1/4 ऑफ, मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट हमें निकालना है 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3, 3/5 एंड 4/3, इसका हमें 1/4 निकालना है। ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं, है ना। अब देखो, फर्स्ट सबसे पहले 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 का ही निकालना है। ठीक है, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, सीधा सा है। नेक्स्ट वापस 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 3/5, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, ऐसे ही हो जाएगा अपना ये। थर्ड 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4/3, कुछ कट हो रहा है बिल्कुल, 4 से 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इजी है इसका जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। हम इसके सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में पॉसिबल। मल्टीप्लाई भी करना है और लोएस्ट फॉर्म में अपन को इसे कन्वर्ट करना है। ओके, देखो सेकंड का फर्स्ट, 2/3 मल्टीप्लाई 2 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई 2 2/3 से अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कर सकते हैं, इजी है। देखो 2/3 पहले जो मिक्सड में इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8/3 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, कट हो रहा है क्या ये कट नहीं हो रहा, मतलब यही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड आप कर सकते हो, थर्ड फोर्थ इजी है, वैसे एक दो क्वेश्चन में इसकी और थोड़ा, जैसे थर्ड है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। अब अगर कुछ कट हो रहा हो ना, तो अपन को पहले ही कट कर लेना चाहिए। देखो 6 और 4 आपस में कट हो रहे, किसकी टेबल से, छोटे से देखो 2 की टेबल से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कट हो गया, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, बस इतना ही आया आंसर। आगे 8 और 16 तो कट हो नहीं सकते, तो इतना ही रहेगा। ऐसे ही आप आई थिंक बाकी के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, इसमें मुझे ज्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते, मल्टीप्लाई करना है, सेम ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4, 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। सेकेंड है 6 2/5, 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9, मल्टीप्लाई 7/9। पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो वही चीज, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1, 21/4, कुछ कट हो रहा है क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब लिख लो 21 1 जा 21 और 5 2 जा 10। ठीक है, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2, 32/5 मल्टीप्लाई 7/9, कुछ भी कट आपका नहीं हो रहा है, तो 5 9 जा 45, 7 2 जा 14, कैरी का 121, 22, 2 2 4/45 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं इसका, 3 4/7 मल्टीप्लाई 3/5 क्या हो जाएगा, लास्ट ये कौन सा नंबर का है, ये 7 नंबर है, 3 4/7, 3 4/7 मल्टीप्लाई 3/5। पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 3 जा 21, 21 प्लस 4, 25/7 मल्टीप्लाई 3/5, कुछ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 7 1 जा 7, ये आपके ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये भी इजी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड तो आपके इजी है, आप कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर अब 4 पे बढ़ते, देखते क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट, विच वन इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा है, 2/7 ऑफ 3/4 और क्या है 3/5 ऑफ 5/8, यही है 2/7, 3/4, 3/5, 5/8, ठीक है। इन दोनों में से कौन बड़ा है अपन को ये बताना है, सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 2/7 मल्टीप्लाई 3/4, और मतलब अभी अपन को पता नहीं है ना ये बड़ा है ये बड़ा है, तो दोनों को आप एक बार अलग अलग सॉल्व कर लो। 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, ये बच्चा 3 1 3 और 7 2 14, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, 5 से 5 कट हो गया, 5 1 5, 5 1 5, 3 1 3 और 8 1 8। अब देखो ऊपर देखो न्यूमिरेटर सेम है, दोनों का न्यूमिरेटर क्या है सेम है, तो मैं आपको बताया था अगर न्यूमिरेटर सेम होता है तो जो छोटा दिखता है ना वही क्या होता है बड़ा होता है, तो 14 बड़ा होगा या 8 बड़ा होगा, तो इन दोनों में से कौन बड़ा हो जाएगा, 3/8। ओके अब इसी का सेकंड, बस ध्यान रखना है जब न्यूमिरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा दिखता है वही आपके बड़ा होता है। ओके नेक्स्ट, 1/2 ऑफ 6/7, 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 ऑफ 3/7, ये अपन को सॉल्व करना है। ओके करते हैं, 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 6/7, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/7, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3, 7 1 7, 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 7 1 7। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब भी अपना डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो बड़ा होता है अपन उसी को बड़ा मानते, तो 2 और 3 में से कौन बड़ा है, 3, मतलब इस दोनों में से ही आपका ये बड़ा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शालिनी प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो, सैपलिंग्स मतलब पौधे के जो छोटे छोटे ना, एक तरह पौधे के बच्चे समझ लो, इतने छोटे छोटे पौधे कि वो एक रो में मतलब इस तरह से वो क्या करती है कि ऐसे एक रो लगाती है, 4 सैपलिंग, एक रो में 4 लगाती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, मतलब इस रो में और इस रो में जो फर्क है ये वाला जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये देखो 1 2, द डिस्टेंस फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में अपन को बताना है, तो यहां से लेके 1 2 3 4, तो इन यहां से लेके यहां तक का फर्क बताना है, तो ये 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4 डिस्टेंस हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3, यही होगा 9/4, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 9/4 मीटर उसका आपके डिस्टेंस हो, ठीक है। तो समझ में आया, इसको हम क्वेश्चन लिख के कैसे करेंगे, तो देखो ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि शालिनी, देखो प्लांट कितनी करती है 4 सैपलिंग एक रो में, दिस देखो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग, डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन है ठीक है, 2 सैपलिंग्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, 3/4 मीटर है, मतलब देखो उसने 4 लगाई है, 1 ऐसे समझो, यहाँ पे इसको देखो ऐसे 1 2 3 4, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, मतलब टोटल कितने 3/4 हो गए, देखो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो कैसे लिखेंगे, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3/4, मतलब कितना हो गया 3 3 9/4 मीटर, या फिर इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4 2 8 1/4 मीटर, या इसको ऐसे भी लिखो या इसको मिक्स्ड में अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर इतने आवर्स एवरी डे डेली, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डे, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, कि देखो
6 दिन में उसने बुक कंप्लीट करी और 1 दिन में वो इतने घंटे पढ़ती है, तो 6 दिन में मतलब उसने कितने आवर्स बुक पढ़ी है, मतलब पहले डे को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर अपन को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे ही कर लेते हैं अपन, हो जाएगा यहीं पे। देखो क्या बोल रहा है, लिपिका रीड बुक फॉर एवरीडे। सॉल्यूशन हो जाएगा कि लिपिका रीड्स बुक एवरीडे, कितने आवर पढ़ती है वो एवरीडे, एवरीडे पढ़ती है वो 1 3/4 आवर, 1 3/4 आवर कन्वर्ट कर लो, 4 1 4 4 + 3 7/4 आवर्स शी कंप्लीटेड इन शी कम। अब देखो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी आवर्स ऑल वर रिक्वायर्ड टू रीड द बुक। ये ऐसे करो कि शी कंप्लीटेड बुक इन 6 डेज, शी रीड्स एंटायर बुक इन 6 डेज, तो शी कंप्लीटेड बुक इन 6 डेज, आवर शी टेक इन 6 डेज टू कम टू रीड एंटायर बुक, पूरी बुक को पढ़ने के लिए उसने 6 दिन में कितने आवर्स लिए, तो 1 दिन के आवर को 6 दिन के आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इजी है, 7/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लगा देंगे, 2 2 = 4 2 3 = 6, 7 3 = 21 2 1 = 2, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 1/2 आवर्स, 10 1/2 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके ऐसा समझ में कि 1 दिन में इतना घंटे पढ़ते हैं, 6 दिन में कितने घंटे पड़ेगी, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 6 दिन में इतने घंटे पढ़ती पढ़ी, मतलब उसने बुक इतने देर में कंप्लीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना चलती है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार चलती है 16 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो एक में इतना है, एक से ज्यादा का पूछे तो इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3/4 से, तो क्या आ जाएगा 16, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 2 4 = 8 8 + 3 11/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, 4 1 = 4 4 4 = 16, तो आंसर आ गया 44 किलोमीटर, मतलब वो इतने घंटे में 44 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, इतने घंटे में वो कितने मीटर ट्रेवल करेगी, वो 44 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, ठीक है 8th में ए का फर्स्ट, 8th में ए का फर्स्ट, अपन को ऐसा नंबर लिखने की है जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट गिव्स 10/30, क्या थे अपने 10/30 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 10/30, तो देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई, ये निकालना है अपन को, यहाँ पे तो वैल्यू निकालनी है ना, कि ये वैल्यू अभी अपन को पता है नहीं क्या आएगी, तो देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है 5 से, अपॉन 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है 3 10 होता है ना 30 और 2 5 10। नेक्स्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्टेन नंबर इज, ऑब्टेन नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही रहेगी 5/10 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, मतलब कट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 5 1 = 5 5 2 = 10 हो गया। अब 8 बी का फर्स्ट, 8th में बी का फर्स्ट क्या बोल रहा है,
थ्री बाय फाइव को किससे मल्टीप्लाई करेगी? देखो क्या बोल रहा है, थ्री बाय फाइव को किससे मल्टीप्लाई करे कि अपने पास क्या जाए, 24/75, 24/75 आ जाए। तो थ्री को किससे मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है, 3×8=24। फाइव को किससे करने पे 75 आता है, फाइव को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 75 आता है। लास्ट बोल रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब वो अगर कट हो रहा है क्या, 8/15, 8/15 कट हो रहा है, नहीं, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 ही रहेगी। तो मतलब इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। तो अपन ने देखो ये वाली एक्सरसाइज आज अपन ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आज अपन ने अपनी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, 2.5, उसमें डिविजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते, तो ये अपन अपने अगले वीडियो में करेंगे। मतलब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि डिविजन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।